तो आईटी के सेक्शन पर आप देख रहे हैं किस तरह से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। और उधर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों के नामों पर आज दिल्ली में मंथन होगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। इस चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस बैठक में 60 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा सकते हैं। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय के अलावा दिलीप घोष भी शामिल हैं। बंगाल चुनावों को लेकर यह चर्चा हो रही है। बीजेपी के लिए इस बार असम और पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और बंगाल में बीजेपी ने अपनी सबसे ज्यादा ताकत झोंकी है। तो बंगाल विजय पर यह महामंथन। और अभी आपको बता दें, कोर ग्रुप की बैठक में कौन कौन शामिल हैं। जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष, उन्हीं के घर पर यह बैठक हो रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह को बुलाया गया है। कैलाश विजयवर्गीय प्रभारी बंगाल बीजेपी के, वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। वहीं बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष भी इस बैठक में शामिल हैं। तो पूरी ताकत बीजेपी ने लगा दी है पश्चिम बंगाल में। टारगेट रखा गया है 200 से ज्यादा सीटों का और उम्मीदवारों के बारे में आज महामंथन होना है। टीएमसी खेमे से कई नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। किसको चुनना है, किसको छोड़ना है, इसी को लेकर आज माथापच्ची होगी। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार अभियान तेजी से चल रहा है। लेकिन अब बारी आ गई है उन उम्मीदवारों के चेहरे को फाइनल करने की जो बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, यानी पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर अब दिल्ली में मंथन शुरू होगा। आज शाम 7 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में 5 राज्यों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज और कल चलेगी। पहले चरण की 60 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में पहले चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे। बीजेपी के लिए असम और पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण राज्य हैं और बीजेपी इस बार सबसे ज्यादा जोर पश्चिम बंगाल में लगा रही है। बंगाल ने कांग्रेस को भी एक बार आजमा कर देखा है, लेफ्ट पार्टी को भी अपना कर देखा है और ममता जी को भी अपना कर देखा है। बंगाल की परिस्थिति आज गांव, गरीब, मजदूर, किसान की बहुत बुरी है, तो मेरे हिसाब से अब बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट तैयार कर ली है। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण की 30 सीटों और 1 अप्रैल को दूसरे चरण की 30 सीटों पर मतदान होना है। इस बार बंगाल में बीजेपी के टिकट के दावेदारों की संख्या ज्यादा है। हर सीट के लिए लगभग 20 से 25 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, जिसके बाद हर सीट से लगभग 4-5 नाम राज्य बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व को भेजे हैं। समिति ने हर एक चुनाव केंद्र के लिए 3-4-5 तक नाम तय किया है जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तक पहुंचेगा और वहां अंतिम निर्णय होगा, घोषणा हो जाएगा, तो वो सुझाव के रूप में हम यहां से लेके जा रहे हैं। बंगाल में बीजेपी के टिकट के लिए मारामारी मची है। कई बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस छोड़कर पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसकी एक वजह बंगाल में बीजेपी का बढ़ता प्रभाव भी है, जो बीजेपी नेताओं का आत्मविश्वास भी बढ़ा रहा है। देश के विकास की, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो एक विकास की यात्रा जोरों से चल रही है, निश्चित रूप से उसी गाड़ी को डबल इंजन बंगाल का भाजपा की सरकार का लगेगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और हमें ऐसे अनेक उम्मीदवार हैं जो मुख्यमंत्री बनने के काबिल है, उचित समय पर उसका निर्णय होगा। हाँ, बंगाल का ही होगा। जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ के बीजेपी नेता भी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ नामों को छांटने के लिए मंथन करेंगे। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में असम में बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई। अब सिर्फ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाना बाकी है। बीजेपी जैसा एक राष्ट्रीय दल है, ऐसा असम गण परिषद भी एक केंद्रीय दल है और यूपीपीएल भी केंद्रीय दल है। उन लोग अपना अपना क्षेत्रों को एक केंद्र मानता है, इसलिए तीनों अध्यक्ष बैठ करके
ये डिक्लेयर करेगा। फिलहाल आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। इसके बाद ही तय होगा चुनाव में उतरने से पहले कौन से उम्मीदवार बीजेपी का टिकट हासिल करके पहली जंग जीतने में कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ZBK। प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।